नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वॉइस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जेके एसएसबी के बारे में। आप लोगों को बता दें कि जेके एसएसबी एक ऐसा बोर्ड जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया गया है जो कि तमाम सिविल रिक्रूटमेंट्स को कवर करता है। बट आप लोगों को बता दें कि पिछले 2-3 साल से ये बोर्ड काफ़ी ख़राब चल रहा है। अपने कोर्ट केस को लेकर जो भी वैकेंसी आती है उसे विड्रा किया जाता है या तो उसे कोर्ट केस में धकेल दिया जाता है। आप लोग बता दें एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान है। पीछे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी 1200 वैकेंसी को लेकर, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया बट भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई। उसके बाद दोबारा से भर्ती हुई, बाहर से रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया, अपटेक कंपनी आने की वजह से दोबारा से जो है वो केस हेयरिंग पे हेयरिंग चल रहा है। आपको बता दें कि 7 तारीख यानी कि कल जहां उसकी हेयरिंग होने वाली है, ये पहले प्रीपोन्ड हुआ था और यहां पर ये आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। आप लोगों को बता दें कि तमाम बच्चे जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब आएगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर आने की संभावना सितंबर महीने में बताई जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा भी बताया गया है कि इस बार जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर डिक्लेयर होगा। जनरल सेक्रेटरी के द्वारा भी यहाँ पर एक बयान दिया गया है और आप लोगों को बता दें कि इस बार बच्चों की उम्मीद जाग गई है। ऑलरेडी इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं और रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लेट हो गई। जेके एसएसबी को ऑलरेडी लगभग 16,000 के आसपास वैकेंसी रेफर है। 2019 में विड्रा की गई वैकेंसी भी रेफर की गई है। तमाम एग्ज़ाम पेंडिंग है, जैसे VLW कॉन्टेंट असिस्टेंट्स, फॉरेस्टर गार्ड और भी काफ़ी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं पटवारी वगैरह के, जो कि एग्ज़ाम पेंडिंग है। बट आप लोगों को बता दें कि इसमें से 2 से 3 एग्ज़ाम जो है वो कोर्ट केस में चल रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, अकाउंटेंट असिस्टेंट्स, फॉरेस्टर, ये 3 जो है वो एक कोर्ट केस में ही चल रहे हैं। बट आप लोगों को बता दें कि इससे अलावा BLW कोई भी कोर्ट केस में नहीं है। BLW का एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही होने की उम्मीद है, जिसमें 900 के आसपास वैकेंसी है और तमाम बच्चों की नज़र उस पर पड़ी हुई है। उसमें आपको बता दें कि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, उसमें सिर्फ ग्रेजुएट्स ही फॉर्म फिल कर पाए हैं। फॉरेस्ट गार्ड से भी कुछ वैकेंसी थी, उसका भी डाटा डिटेल आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। बट एग्ज़ाम कैलेंडर की खासियत ये होगी कि उसमें आने वाले समय की वैकेंसीज भी होगी। उसमें जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंट पोस्टें हो सकती है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हो सकती है, उसमें और भी तमाम सब इंस्पेक्टर 700 पोस्ट जो रेफर की थी फरवरी महीने में वो भी हो सकती है। तो इसीलिए तमाम बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर एक बार डिक्लेयर हो जाए। एग्ज़ाम कैलेंडर अगर डिक्लेयर होता है तो उसमें 2024 जून जुलाई तक की तमाम रिक्रूटमेंट्स जो आने वाली है उसका डाटा डिटेल होगा। जो आप लोगों की 20 से 25 हज़ार वैकेंसी वेकेंट पड़ी है या JKSSB या होम डिपार्टमेंट्स के पास पड़ी है, उसका पूरा डाटा डिटेल्ड उसी में जो है वो छपा होगा। इसलिए आप लोगों को बता दें कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही एक बड़ी मीटिंग हेल्ड होने वाली है, जिसमें JKSSB के चेयरमैन भी हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी साथ में हो सकते हैं। उस मीटिंग जो मीटिंग काफ़ी क्रिशियल रहेगी तमाम जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए। आप लोगों को हमारी इंस्टाग्राम ID JK Student Desi Boy 06 के नाम से फॉलो करनी पड़ेगी। आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे रिक्वेस्ट भेज के 1x30 रुपीज़ एंट्री है। 9682305611 गूगल पे पे एंट्री करके आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ तमाम अपडेट्स की नोटिफिकेशन पोस्ट की जाती है और स्टोरी के जरिए तमाम बच्चों को जानकारी दी जाती है। इसलिए आप लोगों को बता दें कि JK Student Desi Boy 06 जो है वो आईडी और इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा काम आप लोगों को अपडेट देना है, मोटिवेट करना है और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जागरूक करना है। बाकी गवर्नमेंट काफ़ी डेली आप लोगों को पता है इलेक्शन वगैरह भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज होने की संभावना बन रही है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाना है और गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना ध्यान देना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में काफ़ी हाई रेट पर हैं, बट फिर भी कोशिश करना बहुत ज़रूरी, अगर आपकी उम्र सीमा 18 साल से 28 साल के बीच है।